नमस्कार दोस्तों, दामों की रस्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर बिरयानी। तो हम सबसे पहले बिरयानी मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हमने लिए हैं साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, सौंफ, जीरा, जावित्री, नटमेग हैं और काली मिर्ची हैं और लौंग हैं, इलायची हैं। तो इन सारे मसालों को हम सेक के और फिर हम उनको ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने तेज पत्ता, लाल मिर्ची और दालचीनी को एक साथ भुना है, एक साथ इनको चलाया है एकदम धीमी आंच में। जब तक इनकी खुशबू आने लगे तब तक फिर हमने जीरा और सौंफ को चलाया है, उनको भी एक डेढ़ मिनट तक चलाया था जब तक खुशबू आए। और फिर बाकी के सारे मसाले, नटमेग है, इलायची है, जावित्री हैं, काली मिर्ची हैं और लौंग हैं, इन सबको हमने चलाया है। और इन सबको एक साथ चलाने के बाद थोड़ा ठंडा कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ी सी पुदीने की सूखी पत्तियाँ और कसूरी मेथी ली थी, जिनको भी हमने चला लिया है। ये बाद में हम जब मैरिनेट करेंगे उसके लिए काम आएगा। तो हम इस फिलहाल इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया है डेढ़ चम्मच और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको हमने पीस लेंगे। दूसरी तरफ हमने बिरयानी के लिए राइस जो है भिगो दिए हैं। तो राइस भिगोने के लिए हमने ये नॉर्मल राइस लिए, कोई ब्रांडेड जो लंबे दाने वाले नहीं लिए थे। और अब हमें उस प्याज भी लगेंगे, तो हम प्याज को जो कैरमलाइज करेंगे उसके लिए हमने काफ़ी दो प्याज बड़े काट लिए थे, उसको लंबे लंबे काटने और उसको अच्छा खासा तेल लेके उसको हमने शैलो फ्राई कर लिया है। तो ये प्याज को पकाने के लिए हमने 8-10 मिनट लगा है, उसको धीरे धीरे चला लेंगे और ये चल रहे हैं। तब तक हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। दही लिया हमने 300 ग्राम, उसमें हमने मसाला डाला है बिरयानी का, बहुत यार मुँह में पानी आ रहा है। और बिरयानी का मसाला डालने के बाद हमने कसूरी मेथी और पुदीने का जो पाउडर था वो भी डाल दिया है। उसके बाद हमने जो प्याज हमारे तले थे उसमें से आधे प्याज जो है उसको चॉप करके डाल दिया है। फिर लाल मिर्ची पाउडर डाला है हमने और अब हम इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे, ताकि वो जो भुने हुए प्याज का कड़वापन है ना, थोड़ा सा कड़वापन रहता है उसमें, उसको बैलेंस कर दें। अब इसको हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डालेंगे, एकदम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालेंगे चॉप की हुई, वो डाल दिया। पुदीना है तो वो भी ज़रूर डालिए, आज मार्केट बंद था तो मिला नहीं, तो पुदीना चॉप करके भी डाल सकते हैं। धनिया की पत्तियाँ डाल दिया, फिर अब हम उसमें पनीर के क्यूब डालेंगे। तो हमने करीबन आधा किलो पनीर लिया है, क्योंकि हमने जो चावल लिए हैं चावल की क्वांटिटी है 350 ग्राम, तो उसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो पनीर, एकदम फ्रेश पनीर है। आप चाहे तो घर पे बनाएं या बाहर से भी ला सकते हैं अच्छी ब्रांड का पनीर, और उसको आप अब मेरीनेट कर लें। और मेरीनेशन पूरा इन मसालों जो पनीर है पूरा उस पर ये दही लग जाए, दही का जो मेरीनेशन मसाला है वो पूरा लग जाए, और उसको आप तकरीबन आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे तक उसको आप ऐसे ही रख दें। अब दूसरी ओर हम चावल जो है उसको उबाल लेंगे। तो उसके लिए हमने फिर से खड़े मसाले डाले, दालचीनी डाली, तेजपत्ता डाला है, इलायची डाला है, लौंग डाला है और उसमें घी डाला है। पानी में हमने घी डाला है ताकि चावल के दाने हैं अलग अलग रहें और घी का फ्लेवर भी आ जाए। तेल बार बार नहीं डालेंगे, उसका फ्लेवर थोड़ा अलग हो जाता है। थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है, क्योंकि हमें केसर जो है, कभी कभी केसर मिलती नहीं है, तो आप हल्दी डाल दो तो भी आपकी बिरयानी का कलर जो है चावल में आ जाएगा और उससे अच्छा बनेगा। तो ये जब उबाल में आ जाए तब हम इसमें पूरे अपने राइस उड़ेल देंगे। और हाँ, एक चम्मच हमने इसमें भर के नमक डाला है। तो ये अब उबलने के बाद हमने वापस इसको थोड़ा गैस को कम कर दिया था, और उसके बाद हमने सारे चावल जो भीगे थे तकरीबन आधे घंटे हमने भिगोए थे, आप उससे ज़्यादा भी भिगो ले तो अच्छा है, आधा घंटा भिगोया है, और उसको हम पूरा इस भगोने में उड़े लेंगे। हम चावल जो उबालेंगे ना उसको ज़्यादा नहीं हमें तैयार करना है, बस 70-80% जब होगा तब आप गैस बंद कर दीजिए और फटाक से पानी निकाल लीजिए, क्योंकि फिर वो अपने पानी में ही पकना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हमने बड़ा सा भगोना चढ़ाया और अब उसमें तेल जो हमने प्याज तले थे वही तेल हमने इस्तेमाल किया, उसमें एक चम्मच घी भी डाल दिया था, और अब तेज पत्ते डाल रहे हैं। फिर से हम खड़े गरम मसाला डाल रहे हैं। फ्लेवर बहुत होता है भैया बिरयानी में, बिरयानी में अगर फ्लेवर नहीं हो तो बिरयानी का मज़ा नहीं है। तो हम इसमें तेज पत्ता डालने के बाद प्याज हमने एक छोटा प्याज चॉप किया था और उसमें डाल दिया है, और इसी तरह से हमने दो टमाटर चॉप किया वो भी उसमें डाल दिया हमने। तो अब मसाला जो है भून के तैयार करना है, भूनते रहो उसको। अब उसमें हमने स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज डाली है, और ये जो ग्रीन मसाला दिख रहा है आपको चटनी जैसा, वो है ग्रीन चिली है, लहसुन है और अदरक है, इनका पेस्ट है, तो वो सब डाल दिया आप देख, एकदम फ्रेश।
और ये जब एकदम भून के तैयार हो जाए, तेल सेपरेट हो जाए, तब हम इसको लेयरिंग करेंगे। लेयर मतलब उस पर चावल की लेयर करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा सा मसाला डाल दिया, हल्दी और डाल ली है, और हल्दी डाल के हम थोड़ा चलाइए। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे मिल्क, हाँ जी दूध डालेंगे। तो दूध से क्या है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर रहना चाहिए बिरयानी में। पनीर की बना रहे हैं ना बिरयानी, तो उसमें क्रीमी टेक्सचर रहेगा ही। तो ये दूध डालने के बाद हमें इसमें ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट चलानी है उसको एकदम सेटल करके सरफेस पे, और फिर चावल की हम लेयर चढ़ाते हैं। चावल की एक पहली लेयर चढ़ाई है, और पहली लेयर मोटी सी चढ़ाने के बाद उस पर हमने जो मैरिनेट किए हैं पनीर, वो हमने कम से कम 40 से 45 मिनट हमारे पनीर जो है मैरिनेट हो चुके हैं, उसको हम इस पर लेयर बना लेंगे। तो पनीर हमने सारे आधा किलो की, आधा किलो पूरी पनीर जो है इसमें डाल दी है, और पनीर की लेयर बनाते रहेंगे। ये प्रोसेस देखने में बड़ा मज़ा आता है, आप इसे देखते रहिए। और हाँ, दामू की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पड़ोसियों को भी बताइए कि दामू की रसोई बड़ी तगड़ी है भाई। तो आप पनीर को मैरिनेट कीजिए, मज़ा आता है मुझे खुद खाना बनाने में, वीडियो बनाने में और अपलोड करने में, और आपको ये सब बताने में बड़ा मज़ा आता है। तो भाई पनीर की जो लेयर लगा दी, उसके बाद हमने फिर से राइस की लेयर लगाई है एक और। ये हमारे अध पके राइस है, अध पके से मतलब थोड़े से ज़्यादा पके हुए, 70 से 80% तक राइस जो पके थे लंबे वाले, उसको हमने फिर से लेयर बना ली है। लेयर बनाने के बाद पूरा ढक देना है। ढकने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा जो है मिल्क डालेंगे। ये मिल्क हमने टोटल 100 ml लिया था, जो कि पहले हमने चौके में लिया और आधा हमने इसमें डाला। फिर फ्राइड किए हुए कुछ ऑनियन बचा लिए थे, वो हमने इसको सबसे ऊपर कोटिंग कर ली। धनिया की पत्तियाँ कुछ डाली, आप चाहिए तो पुदीने की पत्तियाँ भी डालिए, और थोड़े से हमने काजू फ्राई कर लिए थे वो डाल दिए, और सबसे लास्ट में हमने केवड़ा वाटर ऐड कर लिया। ये ऑप्शनल है खुशबू के लिए, केवड़ा अगर आपके पास नहीं है पानी, केवड़े का वाटर तो चलेगा। तो हमने ढक दिया इसको। ढकने के बाद हमने कम से कम 40 मिनट इंतज़ार किया एकदम धीमी आंच में, और अब हमारी बिरयानी तैयार है भाई। पूरी खुशबू फैल चुकी है घर में, और सब दौड़ के आ रहे हैं, मेरा वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको मिक्स करके बता देता हूँ कि हमारी पनीर बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है। पनीर एकदम टेंडर हो चुका है, एकदम च्यूई हो चुका है, बहुत मज़ा आएगा खाने में। आप भी बनाओ, सबको खिलाओ, पड़ोसी को खिलाओ, फ्रेंड को खिलाओ, गेस्ट आए उनको खिलाओ, और दामू की रसोई को सब्सक्राइब करो। तो भैया हम आज के लिए कल्टी मारते हैं, आप कल फिर आइएगा।